नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गन्ना में लगने वाला रस चूसक कीट पाइरिल्ला के बारे में और साथ साथ जानेंगे उसे नियंत्रित करने के कुछ उपायों के बारे में। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। गन्ने की फसल में लगने वाला कीट पाइरिल्ला, इसका वयस्क कीट भूरे रंग के पंख और पॉइंटेड नुकीली चोंच वाला होता है, जिसका रंग गन्ने की सूखी पट्टी के समान होता है। मादा कीट पट्टियों की निचली सतह पर गुच्छों में अंडे देती है। यह अंडे सफेद रंग के रुईदार बालों से ढके रहते हैं और 8 से 10 दिनों के भीतर अंडों से यह पाइरिल्ला कीट बाहर आते हैं। शुरू में यह कीट मटमैला सफेद रंग का होता है। यह कीट सफेद रुई जैसे दिखते हैं और उसके पीछे कुछ 2 पंख जैसा भी दिखाई देता है। पाइरिल्ला के मादा और शिशु कीट दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके चलते गन्ने की पत्तियां पीली और कमजोर पड़ जाती है। यह कीट पत्तियों पर कुछ मीठा सा पदार्थ भी स्रावित करते हैं, जिसके ऊपर काले रंग की फफूंद उग आती है। यह फफूंद बढ़ती ही जाती है। इसके लेयर पूरी पत्तियों को कवर कर लेते हैं, जिसके चलते पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा आती है, जिससे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है और उसका सीधा असर गन्ने की पैदावार पर पड़ता है। इस पाइरिल्ला का अटैक अप्रैल महीने से शुरू होकर नवंबर महीने तक ज्यादा होता है। हवामान में नमी बढ़ने के साथ साथ इस कीट का प्रकोप भी बढ़ता ही जाता है। तो अब इस पाइरिल्ला कीट के जैविक नियंत्रण की बात करें तो इसका प्रकोप कम है या फिर शुरू हुआ हो तब कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि इस कीट के द्वारा छोड़े गए मधुरस की तरफ चींटियां, मकोड़े, लेडीबर्ड जैसे कीट भी आकर्षित होते हैं, जो इस पाइरिल्ला की आबादी को कम कर सकते हैं। ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करने से यह मित्र कीट भी मर जाते हैं। कीट नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसके लिए रात के समय खेत में बिजली के बल्ब जलाकर उसके नीचे किसी बर्तन में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन डाल दें। लाइट की ओर यह कीट आकर्षित होते हैं और नीचे केरोसिन वाले बर्तन में गिरकर मर जाते हैं। इस उपाय से भी इस कीट की आबादी को कम कर सकते हैं। मेटाराइजियम एनिसोप्ले की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर से स्प्रे करने से भी इस कीट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और साथ साथ ध्यान रखिए कि इस कीट का अटैक ज्यादा होने पर हमें नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब इस पाइरिल्ला कीट को नियंत्रित करने के रासायनिक उपायों की बात करें तो इस टाइम पे गन्ने की हाइट अच्छी खासी बढ़ चुकी होती है, जिसके चलते कीटनाशकों का स्प्रे कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर ट्रैक्टर माउंटेड पावर स्प्रेयर से भी कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है, जिसके लिए डाइमेथोएट या फिर एसीफेट की 10 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के दर से मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे इस पाइरिल्ला के साथ साथ व्हाइट फ्लाई के ऊपर भी काबू मिल जाता है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे इस चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। जय किसान, जय हिंद।